जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों, मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मेरे प्यारे हम वतनों, मेरे हम देश, हम शहर, हम सूबा। छोटा सा घर है ये मगर तुम इसको पसंद कर लो, दरवाजा बंद कर लो। अस्सलाम वालेकुम जनाब मलिक वाजिद साहब, हम आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये पार्क बड़ा ही हसीन मंज़र पेश कर रहा है। वहाँ पर अगर जिशान भाई थोड़ा सा बैक कैमरा करें, वो थोड़ी सी धूप भी देखें जी, ये धूप का कितना प्यारा मंज़र है। मलिक साहब, आप इन चीज़ों को मिस कर रहे हैं। इस पार्क की एक तारीख है जिशान भाई। अच्छा, ये पार्क जो है ये इटली के शहर पोर्दनोने में वाक़ है, और एल्बर्ट जॉन डी कोस्टा आज से 70 साल पहले यहाँ के एक शहर के मेयर रहे हैं। कौन है शहर के मेयर? कौन है एल्बर्ट जॉन डी कोस्टा? ये कौन है? ये बहुत ही अजीम इस शहर के नामवर शख्सियत गुजरी है। जैसे हमारे लाहौर में, गुजरांवाला में, सियालकोट में काफ़ी अजीम शख्सियात गुजरी है। मिसाल के तौर पे आपने सियालकोट में सुना होगा सुल्ला दूध दही वाला, बड़ी वो अजीम शख्सियत थी। हम बचपन में वहाँ से जाकर बर्फ़ी लाया करते थे, खोए वाली बर्फ़ी, बड़ी अच्छी और बड़ी टेस्टी थी जब आप खाते थे। सुल्ला बर्फी वाला मशहूर है सियालकोट च, वेख्या होना भाइयों, और गुजरा वाले में अल्लाह रखा तिक्का कबाब वाले। इसी तरह की तर्ज पर यहाँ पर मशहूर है एल्बर्ट जॉन डी कोस्टा। ये जो एल्बर्ट साहब थे, ये यहाँ पे टिक्के लगाते थे? नहीं, दूध लगाते? नहीं नहीं, दूध नहीं लगाते थे, वो यहाँ पर बकरियाँ चलाते थे। इस पार्क में बकरियाँ चलाते थे, और बकरियाँ चलाते भी यहाँ थे, उनका दूध भी यही दोते थे, और यही दूध निकाल कर यहीं बेचते थे। और उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी बकरियों का दूध तो निकालते थे, साथ में लोगों की बकरियों का दूध भी निकाल लेते थे। अच्छा, नहीं वो चोर नहीं थे, वो चोर नहीं थे, आप उनको चोर नहीं कह सकते। दरअसल वो काम से थोड़े से बहरे थे। और बकरियों की आवाज़ उनको सुनाई नहीं थी देती, लेकिन बकरियों की ना शक्ल याद रहती थी, उन्हें यही पता होता था कि यहाँ पर जो घूम रही है वो सारी मेरी है। तो उनकी, हाँ जी, उनकी याद में जिशान भाई, उनकी याद में आज भी उन्होंने यहाँ पर पत्थर की बकरियाँ जो है वो लगाई हैं। एल्बर्ट जॉन डी कोस्टा साहब की पत्थर की बकरियाँ आज भी इस पार्क में अपने मालिक को, जो इनका बकरियों का ग्वाला था, उसको ढूंढ रही हैं। कि ग्वाला वही होता है ना जो बकरियों का दूध निकालता है। अच्छा, और जो बकरियों का, यानी कि जैसे हमारे पाकिस्तान में जो जिसके पास नहीं, ये तो एक ज़ात बरादरी होती है ना, जट बरादरी, गुजर बरादरी, अराइन बरादरी। वैसे जो डेयरी फार्म का काम करने वाले होते हैं उनको उर्दू में ग्वाला ही कहते हैं, ग्वाला, दूध धोने वाला, दूध निकालने वाला। तो ये बकरियाँ, वो अपनी बकरियों को नाम से पुकारा करता था। ये नाम बताएंगे बकरियों के? नाम मुझे चंद बकरियाँ, 2-3 बकरियाँ हैं उनके नाम याद हैं। तो ये नाम इतने प्यारे हैं कि आज इटली में बहुत सी लड़कियों ने, बहुत सी औरतों ने अपने नाम ये रखे हैं इन बकरियों से मुतासर होकर। और ये आपको हंस रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों, मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मेरे प्यारे हम वतनों, मेरे हम देश, हम शहर,
हम सूबा जनाब जिशान भाई जिस तरह के थानू याद होगा ना बकरियां के बारे में थानू की दसिया सी एल्बर्ट जॉन डिकोस्टा जिया बकरियां ने ओदी बड़ी ही वफादार बकरी सी ना बकरियां तो अलग पता क्यों है ए बकरी है ना सारिया बकरियां नू लीड कर दी जिसा तुसी कह सकते हो बोस बकरी इस बकरी का नाम ने प्यार नाल क्रिस्टीना रखिया सी बकरी हुई है ना एल्बर्ट जॉन डिकोस्टा नू बकरियां नाल बड़ा प्यार सी ते बकरियां दे नाल ओदी मुहब्बत इन्नी क सी कि अज देखो ना बकरियां दी यादगार दे विच उन्होंने बकरियां पत्थर दियां कर छड़ियां बस ऐ भी बकरी जी जी ऐ भी बकरी है लेकिन बकरियां जिस तरह इंसान दे साइज च फर्क आ रहा हूं पहले इंसान लम्बे चौड़े जवान उदो बकरियां भी अच्छियां पलियां सेहतमंद बकरियां भी बीमार आ रही ने कैल्शियम की कमी है बकरियां भी है बकरी जड़ी है एदे नाल एल्बर्ट जॉन डिकोस्टा का खास तालक सी पार्क भी ना थे में जिशान भाई हाँ बस इंसान की जिंदगी जड़ी है जिशान भाई खत्म हो जाती है जानवर चिंद परिंद वक्त के नाल दुनिया तो चले जाते हैं उन्हां दी यादां रह जांदियां ने बेसिकली मुजस्मे बनाना तो गुनाह है लेकिन ऐ जड़े ने ईसाई ते नसरानी ते यहूदी ते हिंदू पिछों देखा जे निशान भाई किधले बकरी का सिंग तुहानू आर पार ना हो जाए ते इन्हां ने मुजस्मे बनाए ने अपनी जिंदगी दे विच उन्हां दी यादगार नू बकरियां घट तो बकरियां ज़ोंबियां ज्यादा लग रही तो शक्ल ही ज़ोंबी वाली हाँ जी ड्रोनियां बकरियां सर Oh,
अंदर अरे बोरी वो अरे वो हाँ छोटा सा घर है ये मगर तुम इसको पसंद कर लो दरवाजा बंद कर लो किनू Thank you.